नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने का दर्द या घिसावट या ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसका सबसे कॉमन कारण है, बहुत ज्यादा हमारे देश में उसकी प्रेवलेंस बढ़ गई है। घर घर में आजकल हम देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस है। घुटने में दर्द है, चलने फिरने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ है। एक जमाने में ऑस्टियोआर्थराइटिस 60-70 साल की उम्र में सीनियर सिटीजन के ही हुआ करता था, पर आजकल हमारी आसीन जीवन शैली, अनुचित खान पान, व्यायाम ना करना और दूसरे कारणों की वजह से हम देख रहे हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस 30, 40, 50 साल की वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में भी होने लगा है। दोस्तों, अगर आप यंग हैं, 30, 40 साल की उम्र में हैं, ऑफिस गोअर हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, तो अक्सर पेशेंट हमारे पास आके और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हम रिक्रिएशन में क्या करें, हम तो स्पोर्ट्स कोई खेल भी नहीं पाते, हमारे घुटने में दर्द होता है और हमको एक डर रहता है हमारे अंदर कि यदि हम कोई खेल खेलेंगे, कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो हमारे घुटने में दर्द कहीं बढ़ तो नहीं जाए। दोस्तों, मूविंग इज ऑलवेज बेनिफिशियल। जितना हम अपने जोड़े को हिलाएंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना घुमाएंगे, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम ही करेगा, वो आपके दर्द को कम करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा लाएगा और वो आपके मूड को भी एलिवेट करेगा। यानी अगर आपका मूड अच्छा रहेगा तो आपको दर्द का एहसास कम होएगा। एंड बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका अपने मूड अच्छा रखने का, दर्द कम रखने का, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने का, मसल्स की स्ट्रेंथ और बोन्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने का होता है स्पोर्ट्स या खेल। तो ऐसे कौन से 5 स्पोर्ट्स हैं जिसको आप खेल सकते हैं, सेफली खेल सकते हैं, सुबह में या शाम में रिक्रिएशन के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपके घुटने के ऊपर इंपैक्ट भी ना पड़े और आप सारे के सारे फायदे ले सकते हैं जो एक स्पोर्ट्स से एक इंसान को मिलते हैं। दोस्तों, पहले स्पोर्ट की अगर बात करें वो होता है स्विमिंग। मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था जिसमें आपको बताया था कि घुटने के घिसारे के अंदर स्विमिंग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज्यादा लाभ होता है स्विमिंग करने से। दोस्तों, स्विमिंग में वाटर के बायंसी फोर्स की वजह से हमारे जोड़े अच्छे खासे मूव करते हैं, हमारे लिगामेंट्स भी स्ट्रेंथन होते हैं, घुटनों के आसपास जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है जो थाई में होते हैं, जिसकी दुर्बलता या कमजोरी की वजह से ही ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो भी ताकतवर होते हैं। स्विमिंग के अंदर आप सारे के सारे स्ट्रोक्स कर सकते हैं, पर हाँ, एक पर्टिकुलर स्ट्रोक है जिसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक, वो आप थोड़ा सा अवॉइड करें अगर आपके घुटने में घिसावट है, आपको आर्थराइटिस है, क्योंकि ब्रेस्ट स्ट्रोक करने से मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्प्रेन आता है, एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के अंदर, जो कि उस एरिया के अंदर आर्थराइटिस कर सकता है। और सबसे ज्यादा कॉमन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में एरिया अफेक्ट होता है वो है घुटने का अंदरूनी जॉइंट, इसलिए आप ब्रेस्ट स्ट्रोक को अवॉइड कीजिए। उसके अलावा फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, सारे के सारे स्ट्रोक्स आप स्विमिंग के आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा स्पोर्ट है साइकिलिंग। साइकिलिंग अक्सर पेशेंट हमसे आके पूछते हैं कि हमारे घर में जो साइकिल हैं, जो पेडलिंग या स्पिनिंग साइकिल्स हैं, वो करें या हम बाहर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप बाहर भी साइकिलिंग कर सकते हैं, पर अच्छे जूते पहनना जरूरी है, अच्छी क्वालिटी की साइकिल लेना जरूरी है और उसके साथ साथ फ्लैट सर्फेस पे ही साइकिलिंग कीजिए, वो क्रॉस कंट्री या माउंटेन साइकिलिंग की तरफ आप ना जाइए। अपने रेजिस्टेंस लेवल को लो रखिए और आप आराम से साइकिलिंग कर सकते हैं। पेडलिंग इज वेरी हेल्दी, वो क्वाड्रिसेप्स को या थाई मसल्स को भी आपके स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप बाहर धूप में साइकिलिंग करते हैं तो आपको रिक्विजिट विटामिन डी भी मिलता है बॉडी के अंदर, जो कि अल्टीमेटली आपके कार्टिलेज के लिए और आपके हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है जॉगिंग। जॉगिंग बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है घुटने के दर्द में। मैं रनिंग की बात नहीं कर रहा जिसमें आप तेज स्प्रिंटिंग करते हैं, मैं जॉगिंग की बात कर रहा हूं जिसको आप माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में कर सकते हैं, पर वही अच्छी क्वालिटी के जूते पहनना जरूरी है। सपाट सर्फेस के ऊपर आप आराम से जॉगिंग कर सकते हैं। हम यहाँ साउल ऑर्थो केयर में हर पेशेंट के कस्टमाइज्ड इनसोल्स बनवाते हैं, उनकी पीडो बैरोग्राफी या फुट प्रेशर एनालिसिस करवा के, तो आप अपने पांव के फुट प्रेशर एनालिसिस भी करवा सकते और उसके बेसिस पे कस्टमाइज इनसोल्स बना के उनको अच्छी क्वालिटी के स्नीकर्स में डालिए और आप आराम से जॉगिंग कर सकते हैं। बहुत फायदेमंद है आपके घुटने के दर्द में। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है जो कि आप खेल सकते हैं इजीली अगर आपको घुटने में घिसावट है, वो है गोल्फ। दोस्तों, गोल्फ सिर्फ फिजिकली भी फायदेमंद नहीं होता बट मेंटली भी काफी फायदेमंद स्पोर्ट होता है। आपका फोकस बनता है, आपका बैलेंस बनता है, आप एक होल से दूसरे होल तक अगर जा रहे हैं तो वॉक करते हुए जा रहे हैं तो उसके लिए भी काफी फायदेमंद
रहता है, कैलोरीज भी आपकी बर्न करता है। तो ओवरऑल गोल्फ एक माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी और लो इम्पैक्ट स्पोर्ट है जो कि रिकमेंडेड है ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स के अंदर। आप आराम से गोल्फ को खेल सकते हैं और उसके सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। दोस्तों पांचवा आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है टेनिस या टेबल टेनिस। प्रेफरेबली उसको अगर आप लॉन टेनिस खेलने के शौकीन है तो डबल्स के लिए उसमें आपको बहुत ज्यादा कवर नहीं करना पड़ेगा एरिया, और टेबल टेनिस आप आराम से खेल सकते हैं। वो काफी लो इम्पैक्ट होता है, मॉडरेट इंटेंसिटी वो स्पोर्ट होता है और आपके घुटने के लिए काफी फायदेमंद होता है। उसके साथ साथ आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं जिससे आपका वजन कम होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं सारे मॉडरेट इंटेंसिटी लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज हैं जिसको आप कर सकते हैं, प्रॉपर अपने रिक्रिएशन में यूज कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे टीवी देखना, गेमिंग करना, मोबाइल करने से ज्यादा फायदेमंद है कि आप बाहर जाएं, स्पोर्ट्स खेलें, उससे आपके जॉइंट्स भी हेल्दी रहेंगे, ओवरऑल आपका वजन भी नियंत्रण में रहेगा। और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।